शांति। 6 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली का मंथन करते। मुरली मंथन करना, सब भाई बहनों के साथ मंथन करना, ये बहुत अच्छा लगता है। इससे सभी भाई बहन मिलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और जहां भिन्नता दिखाई देती है वहां एक रूपता लाते हैं, जिससे सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष इस मुरली को जो सुनते हैं उन सबको मक्खन प्राप्त होता है। सर्व के सहयोग से सबका कल्याण होता है। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे गूगल मीट पर, यूट्यूब लाइव पर या बाद में भी आप वीडियो देखते हो, अपने विचार, अपना सुझाव, स्पष्टीकरण आप भेज सकते हैं। सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिंक प्राप्त करना चाहे लिंक प्राप्त कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन रूप से भी लिंक ले सकते हैं और अपने विचार सुझाव भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही, जो अच्छी सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन है, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबर वार स्टूडेंट्स है, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है, ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना बैठी हुई है। जैसे मंदिर में जाते हैं, कथा सुनी घर आ जाते हैं, उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना, बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। एक की ड्यूटी पार्ट, हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को
अपना अपना पार्ट मिला है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और अविनाशी पार्ट है, और अविनाशी पार्ट है, कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। बाबा कहते वंडर है ना, गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा, ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, ये भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का ये शरीर तख्त है, अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है, ये शरीर है तख्त है। बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं हैं एक्टर्स, बाकी सब आत्माएं क्या हैं, एक्टर्स, पार्ट बजाने वाले। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे जन्म में, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से, किसी को पता भी नहीं, किसी को भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। ये है संगम पर, ये बाप ही संगम पर बैठकर समझाते हैं, ये बाप हमें संगम पर बैठकर समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो, अपने हर पल कैसे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, इस विधि को अपनी बुद्धि को समझाते हो, अपने कमियों को चेक करके उन्हें चेंज करते हो, अपने को चढ़ती कला में देखते हो। तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक, आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सुनार का भी काम करते हैं, पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है इनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती है, पड़ती तो है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं, गोल्डन एज सिल्वर एज सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं, सत श्री अकाल, उसका तख्त। उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना, शिव बाबा जो सारे संसार की आत्माओं का सतगुरु है, सत श्री अकाल है, उसको भी तख्त चाहिए ना। बाकी तो हम आत्माओं का अपना अपना तख्त है, हम उस तख्त पर बैठे हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को अपना तख्त बनाना नहीं आता। ड्रामा में उसका पार्ट ही नहीं है कि वो अपने लिए तख्त बनाए, इसलिए वो पर काया पर तख्त पर बैठता है। जैसे तुम आत्माओं का अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते मैं कौन सा तख्त लूं, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है, वे तो नेति नेति कहते आए, हम नहीं जानते कैसे आरंभ हुआ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, नेति नेति हमें नहीं पता इस सृष्टि का आरंभ कैसे है और सृष्टि का अंत कैसे। तुम बच्चे भी समझते थे, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं, हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब
अब हम बेसमझ बन पड़े। बाप कहते हैं, तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, वे अब भूल जाओ, सिर्फ एक बात को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो, सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ बैठ रहते हैं, बाकी कोई कहां रहते हैं, तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो साइलेंस है, ज्ञान की होती है डांस, योग में तो बिल्कुल शांति रहती होती है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां थोड़े ही शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में था, ढूंढ रही थी इधर उधर, रानी को फिर नौकरानी ने बतलाया हार तो आपके गले में है, या उसको शीशे के सामने ले जाकर दिखाया कि हार तो वहां है। ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वे दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, पुरानी पतित दुनिया को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो, बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। दुनिया तो विकार से पैदा नहीं होती, देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस, विकार रहित वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो, बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता है, बाप कभी पुजारी बनते नहीं, मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं, कण कण में जरे जरे में परमात्मा है, तब तो बाप कहते हैं। भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानी होती है वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, वे समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है, सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वे सब हैं भक्ति मार्ग में, बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा रहित जीव निर्जीव, आत्मा सहित जीव सजीव और आत्मा रहित जीव निर्जीव। जीव शरीर को कहा जाता है, परंतु बहुत सारे भाई बहने बहुत सारे मत वाले जीव आत्मा को कह देते, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता,
क्योंकि परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर पार्ट लेती है, बजाती है, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है, तो योग है बिल्कुल, तो योग है बिल्कुल साइलेंस। ये फिर है ज्ञान डांस, ये जो बाबा कर रहे हैं ये है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उनों के आगे होगी, उनके आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किस में कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग है, कितना उनमें ज्ञान है, कितना उनमें योग है। योग का भी नशा है, बच्चे तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे, कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं, गुणवान बच्चे हैं। अच्छे बच्चों को ही जहां तहां बुलावा भेज होता है, सब बुलाते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान समझाने वाले बच्चे हैं, उनको सब जगह क्या होता है, सब बुलाते हैं। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना, ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, ये मीडियम है, यहां तो ये बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है, बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहां सभी को प्राइज देते रहते, जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो, बाप ने कहा है, उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी वा देखी है, किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे, प्रश्न पूछे और उसे खुद उस प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो, जिसे नहीं मालूम उसे कहेंगे ना समझ। शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान ना होने के कारण कितने कपोड़े लगा दिए हैं, कितने कपोड़े लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं, हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने हैं,
देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि देवी गुण वाले हैं ना, क्योंकि देवी गुण वाले हैं ना। जिनमें अवगुण है वो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। अपने आप को निर्गुण अर्थात बिना गुणों वाला स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वे सिर्फ गाते रहते, अच्युतम केशवम माधवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है, बाबा आकर तुम सबको पावन बनाए। बाबा आकर तुम गाते रहते थे हम सबको पावन बनाओ, ब्रह्म लोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, ब्रह्म लोक में दुनिया नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां जीवन नहीं, क्योंकि वहां कर्म नहीं है, यहां तक कि वहां संकल्प ही नहीं है, वहां तुम आत्माएं रहती हो, वास्तव में पार्ट बजाने के लिए दुनिया यही है। शांति धाम में कोई पार्ट नहीं, वो है शांति धाम, एकदम संकल्प शून्य स्थिति। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं, मैं आता ही हूं, मैं आता ही उसमें हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानता, जो अपने जन्मों को नहीं जानता। ये भी अभी सुनते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, परंतु पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, मैं इस ब्रह्मा बाबा के दादा लेखराज के तन में प्रवेश करता हूं, पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर वन पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है, पावन में सबसे टॉप और पतित में भी सबसे टॉप कौन बना, दादा लेखराज बना। उनको अपना रथ बनाता हूं, फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है, चित्र में भी समझाया है ब्रह्मा द्वारा, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता। ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूं, जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, विष्णु कौन है ये भी कोई नहीं जानते, कमाल की बात, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वे पेड़ ये बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो श्री कृष्ण बनते, प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर वे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में
मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं। इसमें प्रवेश कर मैं क्या करता हूं, ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं। तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है, बड़ा मेला लगता है जहां सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूं। ये वे बनते हैं, इनको वे ब्रह्मासु विष्णु। बनने में एक सेकंड लगता है, मेहनत करने में पूरा टाइम लगता है, परंतु विष्णु बनने में एक सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है, मैं ये बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं। तो ये गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ कि बाप आया हुआ है, परम धाम से परम पिता परमात्मा आया हुआ है। ये दुनिया खत्म होने वाली, ये दुनिया क्या है, सारी खत्म होने वाली है। बम्स और मिसाइल चलने ही वाले हैं। तो झट भागे, बाबा ने भगाया नहीं, बाबा ने नहीं भगाया। हाँ, भट्टी बननी थी, कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी, महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा ही है। इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं। जब कलंक लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं। कल के अवतार में दिखाते हैं कि उनको कलंगी, कलंगी माना ताज और कलंक माना दोष। जब दोष लगेंगे तब ही वो कलंगीधर ताजधारी बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानी करते हैं, कहते हैं हम आत्मा सो परम आत्मा, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, हम आत्मा सो अभी सो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको कहा जाता है डिनेस्टी, इनको कहा जाता है डिनेस्टी, इनको डिनेस्टी नहीं कहेंगे। डिनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। ये तुम्हारा कुल है, ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि को का देवताओं को भोग लगाते हैं क्या, नहीं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हैं वो क्या, श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं, मनुष्यों को भी बहुत भावना रहती।
सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत थोड़ी होती है, वहां तो ऐसी बात ही नहीं होती। गरीब रोग सॉरी होती रोग आदि होते नहीं, यह सब बीमारियां द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो ब्रह्मा को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है, कल की बात है। 150 वर्ष सतयुग में हमारी आयु थी ना, और अभी 40-45 वर्ष, अभी 30 वर्ष एवरेज एज हो गई। क्यों? क्योंकि वे योगी थे, और अब ये कौन है? भोगी है। तुम राज योगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मास या वर्ष नहीं, ये पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, कभी नहीं भूलना। देके सभी धर्म त्याग करो, अब तुमको वापस घर जाना है, अब तुमको वापस घर जाना है। मैं आया हूं, देके सभी धर्म त्याग करो, अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहां तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाते हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी, आत्मा में जो खाद पड़ी है वे याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है, सर्विस करके दिखाना है। वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भाव।
चलन से और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भाव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार हो। दृष्टि पवित्र हो, सबको एकदम रूहानी दृष्टि से देखने वाले कि सब आत्माएं हैं। मुख में, हाथों में, पांवों में, मुख में पवित्र शब्द, कोई भी शब्द ऐसा नहीं हो जो अपवित्र हो। हाथ से कोई कर्म ऐसा नहीं हो, पांवों से भी कोई ऐसी गति नहीं हो जो पतित हो। पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। व्यर्थ का संबंध हो या संपर्क हो, वो भी अकाउंट को खाली कर देता है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।